हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं जन्माष्टमी स्पेशल लड्डू गोपाल को भोग लगने वाली धनिया पंजीरी। बहुत ही इजीली बनाएंगे। सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसमें लगभग एक कप धनिया लेंगे खड़ी वाली। धनिया लेने के बाद हम इसे एक से दो मिनट तक रोस्ट करेंगे। इससे ज़्यादा रोस्ट ना करें और फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। एक से दो मिनट में जब धनिया हल्की गर्म हो जाए उतना ही हम इसको भुनेंगे, ओवर नहीं भुनेंगे, नहीं तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। ये देखिए, एक से दो मिनट के बाद जब ये हल्का गर्म हो जाए फ्लेम ऑफ कर दें और ठंडा होने के बाद एक मिक्सचर जार में ऐड करके इसका पाउडर बना लें। आप चाहें तो मार्केट से पाउडर भी ले सकते हो, पर इससे बनाने से ये बहुत बढ़िया बनता है। ये देखिए, हमने इसका पाउडर बना लिया। अब हम आगे के प्रोसेस को देखते हैं। एक फ्राइंग पैन लेंगे और इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड करेंगे और थोड़ा सा मखाना ऐड कर दें। ड्राई फ्रूट्स की अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हो, या जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हो आप ले सकते हो। हल्का क्रिस्पी होने तक हम इसे भुनेंगे। हम इसमें बहुत ज़्यादा घी भी नहीं ऐड करेंगे। उसको एक बोल में निकाल लें और फिर सेम फ्राइंग पैन में और घी ऐड करें। जब घी बिल्कुल मेल्ट हो जाए तब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करें, स्लाइसेस में कटे हुए बादाम, और इसमें काजू ऐड करेंगे। इसी के साथ ही हम इसमें पिस्ता ऐड करेंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास हो आप इसमें ऐड कर सकते हो। मिक्स करके एक से दो मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रोस्ट करें, जब तक हल्का हल्का इसका कलर चेंज ना होने लगे। और इसे आप लगातार चलाते रहें। लगातार चलाते रहने से ये जलेगा नहीं। ये देखिए, हल्का हल्का कलर चेंज होने लगे। आप इसे उसी बोल में निकाल दें और फिर सेम फ्राइंग पैन में ग्रेट किए हुए नारियल ऐड कर दें। हमने ड्राई वाले नारियल लिए हैं और इसको हल्का सा भून लें। सिर्फ 10 से 20 सेकंड में ही फ्लेम ऑफ कर दें, क्योंकि नारियल का कलर चेंज ना हो। चेंज हो जाएगा तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। 10 से 20 सेकंड में ही फ्लेम ऑफ करके आप इसको भी उसी बोल में रख दें ड्राई फ्रूट्स वाले में, और फिर फ्राइंग पैन में देसी घी ऐड करें। हम इस बार थोड़ा सा ज़्यादा देसी घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद जब घी बिल्कुल मेल्ट हो जाए तब इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे जो हमने बनाया है, और इसे मिक्स करके एक से दो मिनट रोस्ट करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। धनिया पहले से ही हमने भुना हुआ है इसलिए एक से दो मिनट ही भुने, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दें, नहीं तो ये जलने लगेगा और इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लें, एक से दो मिनट तक भुने। एक से दो मिनट में ही ये अच्छी तरह से भुन जाएगा और फिर फ्लेम ऑफ करके आप इसे एक बोल में निकाल लें। जब ये हल्का ठंडा हो जाए तब इसको एक बड़े से बर्तन में निकालें और फिर सारी चीज़ें मिक्स करें। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पीसी हुई चीनी। चीनी की अमाउंट आप अपनी अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हो। बिल्कुल बारीक पीसी हुई चीनी ले सकते हैं या आप खड़ी भी ले सकते हो। अब इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट किए हैं उसको ऐड कर दें। कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो या जो आपके घर पे हो आप उसको ऐड कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करते समय हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं जलाएंगे, बस हल्का सा ये भुन जाए उसके बाद ही फ्लेम ऑफ कर दें। सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ ऐड करें और रेजिन्स ऐड कर दें, इससे ये और भी बढ़िया दिखता है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, स्पून के हाथ से या हाथों के हाथ से ऐसे मिक्स करें। ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि चीनी पूरे धनिया में बिल्कुल इक्वली मिक्स हो जाए। ये देखिए, अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ऊपर से आप ड्राई फ्रूट्स और रेजिन्स गार्निश कर सकते हो। हमारी जन्माष्टमी स्पेशल लड्डू गोपाल को भोग लगने वाली पंजीरी बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और हमारे अगले वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।